नवमुंबई मनपा आयुक्त ने राज्य सरकार को भेजा प्रस्ताव, परिवहन कर्मियों को मिले सातवें वेतन आयोग का लाभ, इंटक अध्यक्ष रविंद्र सावंत ने आयुक्त का जताया आभार। नवमुंबई कांग्रेस प्रवक्ता और इंटक अध्यक्ष रविंद्र सावंत ने नवमुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात कर परिवहन विभाग के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने पर उनका आभार जताया। रविंद्र सावंत ने कहा कि हम पिछली कई मुलाकातों में परिवहन विभाग के कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग लागू करने की मांग कर रहे थे, इसलिए आयुक्त ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव का पूरा क्रेडिट इंटक को ही जाता है। आज नवमुंबई महापालिका आयुक्त ने सातवां वेतन आयोग के बारे में जो प्रस्ताव मंजूर किया है उसका हम स्वागत करते हैं। कुछ महीने से हम लोग इस सातवां वेतन आयोग कामगारों को लागू करने के लिए आयुक्त के पीछे पड़े थे। हर महीने में हम लोग इंटक कामगारों का कामगार और हम लोग आयुक्त प्रशासन उनके साथ हम चर्चा करके कामगारों का मुद्दा सॉल्व छुड़ाने कुछ भी तकलीफ हो छुड़ाने के लिए हम लोग कोशिश करते। इंटक संगठन का ये श्रेय है। आज कोई भी समझो बोल रहा है हम किया, वो जैसे बोलते ना वो मराठी में मन है आयता पीड़ा और नागोबा, वैसे ये लोग के काम है। इतना साल ये MP थे, ये MLA थे, ये मंत्री थे, महापौर उनका था। NMT के कामगारों को कितनी तकलीफ है कभी सोचे उन्होंने? उनकी संगठन है कभी सोचा उन्होंने कि बाबा कामगारों को क्या हो रहा है, क्या होता है? ये पावर सत्ता में वो लोग है थे करके कामगार डर के थे। आज कामगार उनके साथ में नहीं है, कुछ नहीं है। आज हकीकत में जो भी काम किया है वो इंटक ने काम किया है। महानगर पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग यापूर्वी लागू करण्यात आलेला आहे, मात्र NMMT कर्मचारी ट्रान्सपोर्टचे जे कर्मचारी आहेत त्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा आतापर्यंत लाभ देण्यात आलेला नव्हता आणि त्यामुळे ही प्रलंबित मागणी अनेक दिवसांपासून केली जात होती। तर सातवा वेतन देताना महानगरपालिकेचा जो भाग आहे NMMT त्यांच्या बाबतीमध्ये दुजा भाव दिसायला नको ही कर्मचाऱ्यांची मागणी रास्त असल्यामुळे त्यासाठीचा प्रस्ताव आपण शासनाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।